वो कह रहे हैं कि भैया मोदी तो धर्म का ठेकेदार बनता है। आपको भी लगता है मोदी राम को लाए हैं? नहीं, लाए तो मोदी राम को है। हिंदू ही हो गए राम का विरोध कर रहे हैं, वो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत ज्यादा खुशी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सतयुग आ चुका है और ये सब हुआ है मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अपने स्वार्थ के लिए कर दी, उनके लिए क्या कहना चाहिए। भारत वर्ष राममय हो चुका है, आप देख सकते हैं आज विपक्ष का भी हर व्यक्ति राम राम बोल रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 22 जनवरी है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हो चुकी है। ऐसे में पूरे भारत वर्ष के कोने कोने में आज जो राम लहर है वो परवान चढ़ चुकी है और समूचा भारत वर्ष राममय हो चुका है, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। ऐसे में इस वक्त मैं हमारी काशीपुर नगरी में मौजूद हूँ और काशीपुर की जो जनता है, जो काशीपुर के राम भक्त हैं, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, आइए जनता का रुख करते हैं। जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप देख ही रहे हैं, शीत लहर नहीं चल रही, राम लहर चल रही है। मैं सभी राम भक्तों को पहले तो बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं और खासकर यूटी चैनल को बधाई देना चाहता हूं। जो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अपने स्वार्थ के लिए कर दी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अधर्मी लोग हैं, पूरा भारत वर्ष राममय हो चुका है, आप देख सकते हैं आज विपक्ष का भी हर व्यक्ति राम राम बोल रहा है, हर घर में राम भक्त है। मैं ऐसे अधर्मियों को राम जी से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे और राम जी के चरणों में जाए और माफी मांगे। और ऐसा अगर विरोध कर रहे हैं तो उनको आने वाले समय में जगह नहीं मिलेगी, धरती पे जगह नहीं मिलेगी, ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अधर्मियों को राम जी क्या कहते हैं, बुद्धि सद्बुद्धि दे। 500 वर्षों बाद ये अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है। मैं सभी कार सेवकों का बलिदान, जो बलिदान हुए, जो राम भक्तों जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से, उनके बलिदान से आज राम मंदिर बनने जा रहा है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आज हम लोग सभी आप अयोध्या मंदिर अपने आंखों से देखना चाह रहे हैं। तो भी लगता है मोदी राम को लाए हैं? नहीं, लाए तो मोदी राम को है, और तो कोई लाए? उससे पहले राम नहीं थे? नहीं, उससे पहले थे लेकिन मंद थे। बंद थे, जेल में, बाबरी मस्जिद में थे तो खुले हैं, तो जब खुले तो आ गए राम, बाहर आ गए तो मंदिर बन गया। दर्शन करने कब जा रहे हैं बताइए? देखो जी, भीड़ कम हो जाएगी तब जाएंगे। भीड़ कम हो जाएगी मतलब राम भक्त? ऐसे कैसे राम भक्त हैं आपकी भीड़ से डर रहे हैं? ऐसा है ना, जब उन्होंने मोदी जी ने कहा भैया धीरे धीरे जाओ, एक एक करके जाओ, सबका नंबर आ जाएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा, जब प्रभु बुलाएंगे तब चले जाएंगे। प्रभु बुलाएंगे तब चले जाएंगे। जी भाई साहब, कितनी खुशी हो रही है आज? होमगार्ड जी नाम है मेरा, हवाई जहाज में बहुत खुशी है। 500 सागरी घाट तोड़ दिया मोदी जी ने, जय श्री राम। मोदी ने 500 सागरी घाट तोड़ दिया, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। जी क्या कहते लोग? बहुत खुशी है, सब में बहुत हर्ष है, उल्लास है, और हम चाहते हैं हमेशा प्रभु श्री राम की कृपा सभी सनातन धर्म पे बनी रहे। जय श्री राम। जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या शब्द? मैं यही कहना चाहूंगा कि बस विलक्षण, अद्भुत, अविश्वसनीय है जो आज का दिन है, वो इस जीवन में, इस संसार में कभी नहीं आने का। ये दिन ना कभी आया है, ना आया है, ना आएगा। ये दिन अद्भुत है, अकल्पनीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, आज मोदी जी ने दिवाली मनाने का भी आह्वान किया है, बोला है कि दिवाली मनाइए, तो दिवाली मनाने के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं? दिवाली देखिए, हम तो दीप जलाएंगे शाम को, बस बाकी पटाखे सबने फोड़े ही हैं, आपने शोभा यात्रा में जैसा देखा है, यही दिवाली है, यही शुभ अवसर है। अच्छा, ये दिवाली अब 22 जनवरी की दिवाली हर साल होगी या एक ही साल में कहानी? जी देखिए, राम भक्त तो राम के हम सनातनी हैं, राम से जुड़े हुए हैं और राम को कौन भूल सकता है, ये तो हर साल ही मनाई जाएगी। चलिए जी, अब साल में दो दिवालियां मनाई जाएंगी? बिल्कुल मनाई जाएंगी, एक 22 जनवरी को और दूसरी जब हमारी दिवाली आती है तब मनाएंगे। बिल्कुल, कितनी प्रसन्नता है और दर्शन करने के लिए। बिल्कुल जल्दी, जितनी जल्दी कोशिश हो पाएगी उतनी जल्दी हम जाएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से रामलला के दर्शन करके आएं। हमें बहुत अच्छा लगा और हम सब बिल्कुल पूरे जोश में हैं। गर्व की बात है ये हमारे लिए कि हमारे लाल रामलला जो है वो वापस आ गए हैं और हमें। जी भाई साहब, राम मंदिर बन गया है, 500 वर्षों का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है, क्या शब्द है आज के लिए? हम कितने किस्मत वाले हैं, देखिए दिवाली हमारे सामने बन रही है, प्राण प्रतिष्ठा हमारे सामने हुई, नहीं तो लोग तरस जाते हैं 500 सालों से, और देखिए हमारे सामने हमसे बड़ी किस्मत, इससे बड़ी दिवाली क्या होगी। जय श्री राम। और देखिए कैसा हजूम गुजर रहा है काशीपुर में। अच्छा, ये दिवाली, एक सवाल मेरा आपसे जरूर है कि ये दिवाली केवल इसी साल के लिए है कि हमेशा भी? हर साल 22 तारीख को मनाई जाएगी दिवाली, हर साल 22 जनवरी को अब दिवाली मनाई जाएगी। आइए हमारे अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी क्या नाम है आपका? है, मैं मनीषा। अच्छा, कितनी ज्यादा प्रसन्नता है, कितनी खुशी है, राम लला दोबारा अपने जो है असल स्थान पर विराजमान हो गए?
बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है और जय श्री राम जी। क्या शब्द हैं आज के लिए? आज के शब्द बहुत अच्छे हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से दीपावली मनाई जा रही है, जय श्री राम। अच्छा आइए, ये नन्हे हनुमान जी हैं, जरा इनसे भी एक आध सवाल करते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा आज आपने हनुमान जी का रूप धारण किया है, ये बताइए कितनी खुशी है राम मंदिर बनने की? बहुत खुशी है। अच्छा राम मंदिर के बारे में क्या जानकारी है आपको? मुझे बस इतना पता है कि राम मंदिर बन रहा है। बन रहा है, खुशी है पूरी? हाँ। दर्शन करने कब जा रहे हैं? जल्दी ही जाएंगे। राम सीता की जो जोड़ी है उनसे अब हम बातचीत करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कितनी प्रसन्नता है? बहुत ज्यादा। आज रामलला अपने असल स्थान पर विराजमान हो गए हैं, इसका असल जो क्रेडिट है, इसका असल जो श्रेय है, आपके हिसाब से किनको मिलना चाहिए? आदित्यनाथ योगी को। आदित्यनाथ योगी को? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से बना, उन्हीं की वजह से बना, उन्हीं की वजह से बना है। हाँ। आज के लिए क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन गया और हम 22 तारीख को दिवाली मना रहे हैं। दिवाली मना रहे हैं जी, बहुत खुशी। जय श्री राम जी। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है राम मंदिर बना है। अच्छा कितनी प्रसन्नता हो रही है? बहुत। अच्छा राम मंदिर दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? थोड़े दिनों बाद। जल्दी जाएंगे। क्या कह रहे हैं? जल्दी जाएंगे। जल्दी ही जाएंगे। तो साथियों आपने सुना, यहाँ पर जो जनता है आज राममय माहौल में रम गई है। बहुत खुशी है कि राम मंदिर बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा ये 500 सालों का जो हमारा इंतजार था वो आज खत्म हो गया। हमारे कई पीढ़ियां ऐसी रहीं जो दर्शन के लिए तरस तरस करके गुजर गईं, लेकिन हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्हें दर्शन मिलेंगे। कब करने जा रहे हैं? अभी तो कुछ बता रही है, जब राम जी चाहेंगे तब जाएंगे। जब राम जी चाहेंगे तब दर्शन होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। कितनी प्रसन्नता है आज के? आज बहुत ज्यादा खुशी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सतयुग आ चुका है और ये सब हुआ है मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह? यस, मोदी जी की वजह से ही हुआ है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। ये तो फिर वही बात हो गई। सब खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमारे राम फिर से जो है वापिस आए, राम लला पधारे हैं अयोध्या में। अच्छा आपने मोदी जी का नाम लिया, जो मोदी जी के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि भैया मोदी तो धर्म का ठेकेदार बनता जा रहा है। नहीं, विरोधी है, विरोधी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम अपनी जगह सही हैं, सब कुछ मोदी जी की वजह से है। नहीं, तो मोदी जी को जो लोग हिंदू धर्म का ठेकेदार कह रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए हम देखिए कुछ नहीं कहेंगे, आज बहुत अच्छा दिन है इसलिए किसी के लिए कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने। जय श्री राम। राम तो सबरी के हैं और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम का कौन नहीं है? जो बहुत से लोग हैं जो हिंदू होके राम का विरोध कर रहे हैं। और कोई नहीं विरोध कर रहा, हिंदू ही होके राम का विरोध कर रहे हैं। वो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये राम मंदिर के नाम पे लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। राम मेरे में है, राम आप में है, राम इनमें है, राम इनमें है, राम उनमें भी है। वो घर में पूछते हैं, अपने बाहर आके राम को मना करते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उनका अंजाम क्या होने वाला है? राम ही जाने। राम जानते हैं राम का काम और राम के विरोधियों का अंजाम राम ही जानते हैं। आइए एक और हनुमान जी हमारे साथ हैं, क्या हालचाल है? बढ़िया। अच्छा राम मंदिर बन गया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। राम मंदिर के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? हाँ। क्या जानकारी है? राम मंदिर इस वक्त बन रहा है और आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब राम मंदिर जो है जनता के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। आप कब जाएंगे दर्शन करने? मैं जल्दी ही जाऊंगा। अच्छा हनुमान बन के ही जाएंगे या आमतौर पर? आमतौर पर जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। क्या नाम है आपका? मोनिका अग्रवाल। कितनी प्रसन्नता है आज के? बहुत प्रसन्नता है। हमें दिवाली मना रही है। हाँ। क्या तैयारी है शाम के लिए? शाम के लिए ये हमने सब करवाया है मंदिर में, हम लोगों ने मतलब मिलके सबने, और घर में भी करेंगे खूब। भजन कीर्तन चल रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। खूब बांटी जा रही है। खूब बांटी जा रही जी। क्या कह रही है? बहुत खुशी है राम मंदिर बनने की और आज शाम को हमारे यहाँ प्रोग्राम है अभी। ये बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो साथियों आपने सुना, ये हमारे अपने शहर काशीपुर की राम भक्त जनता के विचार थे, ये उनके भाव थे। अब इनके भावों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।